दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और केवल जो ये वीडियो 5 मिनट की रहने वाली है, यानी 5 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन बनी है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO बनी है सुजेन क्लार्क। इसका राइट आंसर होगा ए, सुजेन क्लार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफर फोटोग्राफर, ठीक है, तो इसको जीता है रॉबर्ट इरविन ने, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। दोस्तों, ये है रॉबर्ट इरविन और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने इस बुट्स फायर की इमेज ली थी, इस मारे इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन किया है वो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है दोस्तों, वर्चुअली किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकार के 1 बिलियन डॉलर के फंड को जब्त कर लिया? तो दोस्तों, जो अमेरिका है, अमेरिका ने म्यांमार के 1 बिलियन डॉलर के फंड को जब्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले म्यांमार में आपातकाल लगा था और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने भी अपने संबंध म्यांमार के साथ खत्म कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, जो SBI है, SBI ने पहले भारत की GDP 7.4% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में उसने -7.0% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा -7.0%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है आपका 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल हुआ है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अमेरिका है, अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो परिवहन विभाग है उसने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। और अभी मैंने आपको अमेरिका से रिलेटेड एक करंट अफेयर बताया कि जो अमेरिका है उसने म्यांमार के 1 बिलियन के फंड को जब्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और जो अमेरिका है, अमेरिका और भारत के बीच में हाल ही में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे पुराना जीवाश्म है इसकी खोज की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में की गई है, और ये जो विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म है ये 740 मिलियन साल पुराना, यानी 740 मिलियन साल पुराना ये जीवाश्म खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों, जो भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है वो किया है स्मृति ईरानी ने, पीयूष गोयल ने और रमेश पोखरियाल निशंक। जो दोस्तों स्मृति ईरानी है ये हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री है, पीयूष गोयल हमारे उद्योग मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने मिलके भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट का लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में UPI मल्टी बैंक मॉडल पर
फोन पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो फोन पे ने अभी एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर। ठीक है, जो दोस्तों यूपीआई होती है उसके लिए हमें एक आईडी बनानी होती है, यूपीआई आईडी। तो अब जो है हम आप एट द रेट AXL करके आईडी बना सकते हैं, यानी यूपीआई की हर आईडी होती है जिसमें बैंक का नाम पीछे लिखा होता है, तो इसमें एक्सिस बैंक भी अब शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो विजयनगर है कर्नाटक का है, और ये अभी हाल ही में 31वां जिला बना है कर्नाटक का, विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अभी IOCL के साथ समझौता किया है। ठीक है, यानी जो पीएनबी है ये अपने जो डीलर्स हैं, IOCL के जो डीलर्स हैं उनको 2 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों ज्ञान मिशन शुरू किया है केरल सरकार ने। ठीक है, ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों।